नहीं, ऐसा कोई मेरे पे दबाव नहीं था क्योंकि मैं पहले भी एज ए कैप्टन शो कर चुका हुआ हूँ लाहौर से खेलते हुए। बस यही कोशिश थी कि खेल रहा हूँ, जिम्मेदारी है तो पूरी जिम्मेदारी लेके बैटिंग करूँ। और थोड़ा सा पिच मुश्किल था फर्स्ट टाइम अर्ली ऑन, कोशिश की थी कि विकेट पे थोड़ा सा स्टे करूँ, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ, थोड़ा टाइम लिया जिसकी वजह से मैंने अंडर किया। नहीं, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया था पिच पे अर्ली ऑन, जैसा मैंने बताया कि मैं आया था पिच पे थोड़ा सा मॉइस्चर था, ग्रिप हो रहा था बॉल, और जैसे इखलाक मेरे साथ खेल रहा था, कोशिश यही थी कि पार्टनरशिप लगाएंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से मुझे फिर उसका फ़ायदा हुआ स्ट्राइक रोटेट करने का, और मुझे एक दो ओवर अच्छे मिले जिसकी वजह से मेरा 300 हो गया जी। बिल्कुल, 300 करने के बाद मैच हारना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा कैच ड्रॉप हो गया तो इसी रन आउट चांस अवेल नहीं कर सके। बॉलिंग में थोड़ा सा स्पिन ट्रैक थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा नेक्स्ट गेम में, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें मैच लूज़ कर गया। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम उसको एज ए विकेट कीपर ही वनडे में यूज़ करेंगे, वो आने वाले मैचों में भी वो भी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलेगा मोहम्मद इखलाक, क्योंकि T20 सेकेंड लेवल में विकेट कीपिंग कर चुका है, तो उसी से हम काम करेंगे।